जहां मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को नई दिशा मिली है। अब मेट्रो के कोच देश में डिजाइन व मैन्युफैक्चर ही नहीं हो रहे बल्कि निर्यात भी हो रहे हैं। इन प्रयासों से मेट्रो कोच के निर्माण की लागत 12 करोड़ से घटकर 8 करोड़ रह गई है। सिग्नलिंग, रोलिंग स्टॉक, डिजाइन, NCMC कार्ड, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर जैसे क्षेत्रों में भारत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। आई मेट्रोज नॉलेज शेयरिंग के द्वारा इफिशियंसी बढ़ाने के प्रयासों को साकार कर रहा है। मेट्रो सेक्टर कंजेशन कम करने, प्रदूषण पर लगाम लगाने, सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग बढ़ाने, रोजगार के अवसर और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा के प्रयोग द्वारा कार्बन फुटप्रिंट को कम कर शहरों को नई पहचान दे रहा है। शहरी विकास को दिशा देने, लागत कम करने, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने, फंडिंग के नए स्रोत विकसित करने, अधिक शहरों और अधिक नागरिकों तक मेट्रो का लाभ पहुंचाने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में परिवर्तन कर नई मेट्रो पॉलिसी, टेक्नोलॉजी का स्टैंडर्डाइजेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एकरूपता तथा कॉस्ट बेंचमार्किंग जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और नए मेट्रो बिल को आकार दिया जा रहा है। घनी आबादी वाले बहुनगरीय क्षेत्रों को जोड़ने हेतु रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, कम आबादी वाले नगरों हेतु कम कीमत के मेट्रो लाइट, मेट्रो नियो तथा वाटर मेट्रो जैसे नए विकल्प सेक्टर को नए आयाम दे रहे हैं। राष्ट्र की स्वाधीनता के 75वें वर्ष में 1 करोड़ से अधिक यात्री प्रतिदिन 1000 किलोमीटर से अधिक मेट्रो नेटवर्क का लाभ उठा रहे होंगे। समग्र, सतत तथा संतुलित विकास को बढ़ावा देते हुए मेट्रो सेक्टर नए अवसरों व नई संभावनाओं के द्वार खोलकर नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहा है।